आज हम बात करेंगे हम सबके सबसे फेवरेट टॉपिक की, कर्मा। मैं क्यों सफर कर रही हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये प्रॉब्लम, वो मुझे तंग कर रहा है, वो मुझे इसमें से चीटिंग कर रहा है, मुझे ऐसा हस्बैंड क्यों मिला, मुझे ऐसी मदर इन लॉ क्यों मिली, मुझे ऐसा बॉस क्यों मिला। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इस जन्म में नहीं किया, पिछला जन्म किसने देखा, सब ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब, जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी थी और वहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया, देयर वर ड्रिंक्स एंड डांस एंड डीजे ऑल अराउंड, एंड रात के 3 बज गए और बहुत थक गए हम, और थक के हमने सोचा कि अब सुबह उठ के सफाई करेंगे, और रात को हमारा मेमोरी लॉस हो गया, याददाश्त चली गई। फिर क्या होगा जब सुबह उठेंगे तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? हमारा रिएक्शन होगा, या कौन आया था, किसने ये किया, ये सब ऐसा क्यों पड़ा है, और हम सारी गलती कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर, जैसे किसी ने बाहर से आके कुछ किया और ये सब हुआ। क्यों? क्योंकि हमें याद ही नहीं कि हमने किया। मुझे ये बिल्कुल याद नहीं कि मैंने रात पार्टी की और मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और ऐसे ही लाइफ है, जब पिछली लाइफ के बाद हमारी डेथ होती है तो एक बीच में ऐसा कर्टन आ जाता है जिसकी वजह से हमारी याददाश्त नहीं रहती, हम पिछले जन्म में क्या थे, कौन थे, हमने क्या किया। और जब हम इस जन्म में कुछ भी मिलता है, अच्छा मिलता है, तो हम क्वेश्चन ही नहीं करते, इजंट इट? लेकिन जो बुरा मिलता है हम बहुत सवाल करते हैं, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हाँ, अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो मैंने कभी नहीं पूछा कि मुझे एजुकेशन क्यों मिली, मुझे अच्छे पेरेंट्स मिले, मैंने कभी नहीं पूछा कि मुझे अच्छे पेरेंट्स क्यों मिले। लेकिन अगर कुछ भी बुरा हुआ तो मेरे सवालों की झड़ी लग जाती है कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। एक्चुअली मैंने ही कुछ ऐसे कर्म किए थे। जैसे एक बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो वो बहुत बीमार है, तो आपको क्या लगता है वो बीमार क्यों है? भगवान की मर्जी थी, आज वो बहुत दुखी था, भगवान गुस्से में था तो उसने एक बीमार बच्चा पैदा कर दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान इज लाइक अ फादर टू ऑल ऑफ अस, तो दे कैन नॉट बी नो डू इनजस्टिस टू एनीवन, इजंट इट? तो इट इज ऑल बेस्ड ऑन कर्मा। देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर बॉर्न इन सम सर्कमस्टांसेस। अ चाइल्ड इज बॉर्न इन स्लम, अनदर चाइल्ड इज बॉर्न इन अ पैलेस एट द सेम टाइम। अ चाइल्ड इज बॉर्न वेरी हेल्दी एंड अनदर चाइल्ड इज बॉर्न वेरी sick, so why? So there is some karma theory which we can't see, हम भूल चुके हैं उसको, पिछले जन्म को, लेकिन हमने किया है। तो इसलिए हम कंप्लेन करना छोड़ दें, ब्लेम करना छोड़ दें और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अच्छे कर्म करना शुरू कर दें, तो अल्टीमेटली हम बुरों को ख़त्म कर पाएंगे। थैंक यू।